चैप्टर सिक्स ट्रायंगल्स इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 6.1। ट्रायंगल चैप्टर को इससे पहले आपने पढ़ा था क्लास नाइन्थ में मैथमेटिक्स में, जिसमें एक वर्ड यूज किया गया था कॉन्ग्रुएंट। थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर दें, उसके बाद आगे चलते हैं। कॉन्ग्रुएंट होता क्या है पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऐसा कोई फिगर, ऐसा कोई शेप जिसके आगे कोई ऐसा फिगर या शेप लाएं जिससे पीछे वाला फिगर या शेप एग्जैक्टली ढक जाए, उस केस में वह दोनों फिगर्स या दोनों शेप कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। समझे मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा ऐसा कोई शेप या फिगर जिसके आगे अगर हम कोई ऐसा शेप या फिगर लाते हैं जिससे पीछे वाला एग्जैक्ट ढक जाए, और अगर इसको हम रिवर्स करते हैं, अभी तक ये क्या था, ये बैक पोर्शन था, और अगर हम इसका उल्टा कर दें तो जो बैक पोर्शन था वो जो अब फ्रंट पर हो गया उससे आगे वाला पोर्शन भी ढक जाए, उस केस में वह दोनों फिगर्स कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन अब समझने वाली बात यह है, किसी स्टूडेंट ने यह कहा कि अगर इस फिगर या इस शेप के आगे हम कोई एक पेपर रखते तब भी तो ये ढक जाएगा, तो क्या वो पेपर और ये कॉन्ग्रुएंट कह दिया जाए? नहीं, मैंने क्या कहा, एग्जैक्टली ढक जाए, एग्जैक्टली ढक जाए, उसके आगे या पीछे का एरिया नहीं, केवल वही ढके। देखे मीनिंग, अगर इस फिंगर की हम बात करें तो केवल फिंगर ही ढके और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखें एग्जैक्ट पीछे का ढक गया, और उसका रिवर्स करने पर जो आगे वाला था वो पीछे अब जो हो गया है वो भी ढक गया, उस केस में ये दोनों फिगर्स क्या कह दिए जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अब जरा सोचने वाली बात यही है कि क्या हम किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर को चेक करने के लिए यही चेक करने का तरीका है? अगर हम किसी दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट चेक करना चाहते हैं, दो शेप को चेक करना चाहते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तो क्या ऐसे ही चेक करेंगे, नीचे या ऊपर रख करके चेक करेंगे? ये तो तरीका सही नहीं है। फिर एक स्टेटमेंट कह दिया गया कॉन्ग्रुएंसी, क्या कहा गया कि अगर दो फिगर्स सेम शेप में होते हैं और सेम एरिया के साथ डिफाइन होते हैं, सेम साइज के साथ डिफाइंड होते हैं, साइज एरिया की मीनिंग की है, तो उस केस में वो दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए जाएंगे। क्या कहा गया स्टेटमेंट, कि किसी भी दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट तब कहा जाएगा जब वह दोनों सेम शेप के हो जाए एंड सेम साइज के हो जाए, उस केस में वह फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कह दिए जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मान लो हमने दो शेप इस तरह से लिया, इसमें एक सर्कल है और एक स्क्वायर है। सर्कल का एरिया हमने यहां लिख दिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया भी हमने लिख दिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एरिया तो सेम है, साइज तो सेम है, लेकिन शेप अलग अलग है। एक सर्कल है और दूसरा रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर है, एक सर्कल है और दूसरा स्क्वायर है, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। पहला फिगर, दूसरे फिगर में मान लो हमने एक शेप ये बनाया, दूसरा एक शेप ये बनाया। पहले शेप का एरिया हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरे का हमने लिख दिया 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कह दिया जाए? नहीं, अभी भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि शेप तो सेम है लेकिन एरिया अलग अलग है, साइज अलग अलग है, दोनों स्क्वायर हैं, लेकिन जो एरिया है वह एक का 1 सेंटीमीटर है, दूसरे का 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का 2.25 सेंटीमीटर। थर्ड फिगर में मान लो हमने ये यूज किया है दो फिगर, पहले फिगर का हमने एरिया लिख दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो, और दूसरे का भी एरिया हमने लिख लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा गया क्या अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम शेप के हैं। सेम शेप के क्यों हैं? क्योंकि दोनों स्क्वायर हैं,
और साइज भी सेम है। क्यों साइज सेम है? क्योंकि दोनों का इस एरिया 1 cm² है, तो ये कॉन्ग्रुएंट कह दिया जाएगा। ये कॉन्ग्रुएंट है या नो कॉन्ग्रुएंट? ये भी नो कॉन्ग्रुएंट। अब अगर हम बात सिमिलर की करें, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कौन सा वर्ड अब हम पढ़ने वाले हैं? वह है सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट हमने 9th में पढ़ा था, अब हम यूज करने वाले हैं सिमिलर, और उसके बाद देखेंगे कि दोनों में रिलेशंस क्या है, सिमिलर क्या होते हैं। ऐसे दो फिगर्स को जो सेम शेप के तो हों लेकिन साइज कोई जरूरी नहीं हो, साइज कोई जरूरी नहीं हो। देखें तो सिमिलर के लिए एक स्टेटमेंट ये बता दिया गया कि ये सेम शेप के होने ही चाहिए, बट साइज में, बट इन साइज इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है, साइज में आर में नॉट बी इक्वल, में आर में नॉट बी। कंडीशन क्या? सेम शेप की होनी चाहिए, ध्यान। और कॉन्ग्रुएंट में क्या था? सेम शेप में होना चाहिए और सेम साइज में होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में ये डिफरेंस बताया गया कि कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए और सिमिलर फिगर में केवल शेप सेम होने चाहिए, साइज इक्वल हो या अनइक्वल हो, सेम हो या डिफर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये एग्जांपल्स बताए गए हैं 3, हम जरा इसे देखते हैं कि ये सिमिलरिटी के क्या कंडीशन को फुलफिल करते हैं, क्या ये सिमिलर हैं। देखें जरा ध्यान से, अगर हम बात पहले की करते हैं, पहले फिगर में ये दोनों सेम शेप के नहीं, एक सर्कल है दूसरा स्क्वायर है, तो ये सिमिलर नहीं हुआ, नो सिमिलर। नॉन सिमिलर फिगर्स आप कह सकते हैं, नो सिमिलर यहां लिखते, नो सिमिलर हमने। अगर हम दूसरे एग्जांपल में दोनों फिगर्स को चेक करें, तो इसमें फर्स्ट भी स्क्वायर को बताता है, दूसरा भी स्क्वायर को बताता है, दोनों सेम शेप के हो गए। और साइज की तो हम बात बाद में करते हैं, सेम शेप के होने चाहिए। तो ये जो दूसरा एग्जांपल है वह सिमिलर है। क्यों है सिमिलर? क्योंकि सिमिलर के लिए जो छोटा सा स्टेटमेंट बताया गया उसके अकॉर्डिंगली ये फुलफिल होता है। अगर हम थर्ड की बात करें, तो थर्ड की बात करें तो इसमें सेम शेप का है और सेम साइज का भी है, तो ये तो सिमिलर हुआ ही हुआ, क्योंकि मैंने कहा सिमिलर के लिए शेप होना ही चाहिए, साइज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें है, ये सिमिलर हो गया, दूसरे एग्जांपल में नहीं था तब भी सिमिलर हो गया था। तो जरा सोचें, यहां जरा देखें स्टेटमेंट, जो थर्ड एग्जांपल है वह कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, दूसरा एग्जांपल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है फिर भी सिमिलर है, और फर्स्ट एग्जांपल कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है सिमिलर भी नहीं है। तो क्या हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं क्या कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट? ये तो हम कह सकते हैं, देखें कॉन्ग्रुएंट है सिमिलर है लेकिन ये सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हम एक स्टेटमेंट, इसके लिए जो छोटा सा स्टेटमेंट बताया गया है इसमें सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के लिए, हम उसके बेस पर ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ऑल सिमिलर ऑल कॉन्ग्रुएंट, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ये इतनी बात तो क्लियर हो गई कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं। सिमिलर में शेप सेम होना ही चाहिए, साइज जिसे एरिया कहा जाता है इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन शेप मस्ट है। और कॉन्ग्रुएंट में शेप तो है ही मस्ट, उसके साथ साइज भी मस्ट है।
मीनिंग साइज या एरिया और शेप दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों एक जैसे ही होने चाहिए। चलिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिसे देखकर हम डिसाइड नहीं कर पाते ये सिमिलर है कि नहीं, क्योंकि देखें कॉन्ग्रुएंट जो वर्ड था वो आपने नाइन्थ में पढ़ा था, उसको हमने थोड़ा सा रिलेट कर दिया। हमें जो पढ़ना है, जो हमें कंडीशंस यूज करनी है, जो रूल्स फॉलो करने हैं, उस सिमिलरिटी के लिए करने हैं। हमने तो यहाँ कॉन्ग्रुएंट के बेस पर सिमिलर को चेक किया है या उसके साथ वह कैसे रिलेट होता है ये बताया। सिमिलरिटी के कुछ जनरल रूल्स होते हैं, सिमिलर होने के कुछ जनरल रूल्स बताए जाते हैं किसी भी दो फिगर्स में। लेकिन उन जनरल रूल को जानने से पहले आपको दो वर्ड्स जान लेना चाहिए, एक होता है पॉलीगॉन और दूसरा होता है करस्पॉन्डिंग, क्योंकि इन्हीं दोनों वर्ड्स के बेस पर जनरल रूल्स को डिफाइन किया जाता है। तो हम पहले इन दोनों वर्ड्स पर फोकस करते हैं, देखते हैं क्या है। पहला वर्ड है पॉलीगॉन और दूसरा वर्ड हमने यूज किया करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग। देखिए पॉलीगॉन दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक पॉली और दूसरा गॉन। पॉली की मीनिंग होती है मेनी और गॉन की मीनिंग होती है साइड्स, मेनी साइड्स, मीनिंग बहुत सारे साइड्स को मिलाकर दो फिगर्स बनाए जाते हैं, तो सारे फिगर्स पॉलीगॉन कह जाते हैं। अब जरा सोच कर देखें कि मिनिमम कितने साइड्स होते हैं जिससे कोई भी एक शेप बनाया जा सके। टू साइड से तो कोई शेप बनाया नहीं जा सकता, सिंगल साइड से भी कोई शेप नहीं बनाया जा सकता। हाँ, थ्री साइड से एक शेप बनाया जा सकता है, क्या है वह? ट्रायंगल है। और यही हमारा चैप्टर भी है, कितनी अच्छी बात है। इसकी मीनिंग ट्रायंगल को हम किस में यूज करते हैं? पॉलीगॉन में, ठीक है। तो थ्री साइड से मिलाकर तो ट्रायंगल बन गया, लेकिन फोर साइड से मिलाकर तो कुछ और बनेगा, फाइव साइड से मिलकर कुछ और बनेगा। भाई फोर साइड से मिलकर क्या बनता है? भाई फोर साइड से मिलकर स्क्वायर बनते हैं, रेक्टेंगल बनता है, पैरेललोग्राम बनता है, रोम्बस बनता है, ट्रेपीजियम बनता है, और इन सबको मिलाकर जो वर्ड बनता है वो क्या? क्वाड्रिलेटरल। तो हम इन सब के साथ एक वर्ड को ही डिफाइन कर दें, क्वाड्रिलेटरल। फाइव साइड से क्या बनता है? पेंटागोन बनता है। उसके बाद बहुत सारे साइड्स आप बनाते चले जाएं, हेक्सागोन, डेकागोन, ऑक्टागोन, बहुत सारे बनाते चले जाएं। लेकिन अभी हम मिनिमम जो थ्री साइड्स से मिलकर फिगर बनता है वो हम देखते हैं। थ्री साइड्स से मिलकर जो फिगर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। फोर साइड से जो मिलकर फिगर बनता है उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल जैसा मैंने कहा कि जो शेप्स डिफाइन किए जाते हैं, जो इसमें यूज होते हैं, वह है पहला स्क्वायर शेप, क्वाड्रिलेटरल में आता है। दूसरा रेक्टेंगुलर शेप, शेप आता है रेक्टेंगल। तीसरा आता है रोम्बस। फोर्थ पैरेललोग्राम आता है। नेक्स्ट ट्रेपीजियम आ जाता है, ट्रेपीजियम। तो ये सभी क्वाड्रिलेटरल फोर साइड्स से मिलकर ही बनते हैं, इसलिए सभी क्वाड्रिलेटरल में आ जाते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। फाइव साइड्स से मिलकर जो शेप बनता है वह होता है पेंटागॉन, ठीक है। अगर आप थ्री साइड्स, फोर साइड्स, फाइव साइड्स की बात करें तो यही बनते हैं। इसके आगे बहुत सारे साइड्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी हम जो यूज करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर भी आपका ट्रायंगल है, तो हम जो यूज करने वाले हैं वो थ्री साइड्स, फोर साइड्स को मिलाकर ही क्वेश्चंस जो बनेंगे उसे। अब फोर साइड से मिलाकर जो ये बनते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब यूज करने वाले हैं। दूसरा वर्ड जो मैंने कहा करस्पॉन्डिंग वर्ड, इसे हम जरा सा देख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग वर्ड होता क्या है? मान लो आपने दो ट्रायंगल्स को यूज किया है, एक ट्रायंगल आपने यूज किया है ए बी सी नेम के साथ और दूसरे ट्रायंगल को आपने
CQR से डिनोट किया है और इसे आप यूज कर रहे हैं। और हमने एंगल ए को रिलेट किया, एंगल ए को हम रिलेट कर रहे हैं एंगल पी से, तो उस केस में जो करेस्पॉन्डिंग वर्ड डिफाइन होता है, जरा ध्यान से समझे, ट्रायंगल एबीसी में ए एंगल का आप देखें उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है एंगल सी, और पी क्यू आर ट्रायंगल में पी एंगल के बाद जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है एंगल वो है आर। तो जब आप एंगल सी को रिलेट करेंगे तो एंगल सी को आपको रिलेट करना चाहिए एंगल आर से, ये करेस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि ए के बाद का क्लॉकवाइज और पी के बाद का क्लॉकवाइज यही दोनों बनता है। और अगर आपने ए एंगल के बाद एंटी क्लॉकवाइज यूज किया तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बी आएगा और उसको आप कनेक्ट करेंगे पी क्यू आर ट्रायंगल का जो पी के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनाता है एंगल क्यू, वो आप रिलेट करेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप क्लॉकवाइज ही हमेशा यूज करें, एंटी क्लॉकवाइज यूज भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक है कि अगर एक ट्रायंगल में एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो दूसरे ट्रायंगल में भी आपको एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स माने जाएंगे। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो दूसरा भी क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं। ये तो रहे एंगल्स की बात, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की हमने बात की। अगर हम बात करते हैं साइड्स की, अगर हम बात करें साइड्स की, और हम यहाँ एग्जाम्पल ट्रायंगल का ही ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझो, हम ट्रायंगल का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, आप का जो चैप्टर है वो ट्रायंगल ही है, तो हम इसी में अपना अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जबकि आप ये मान लें कि ये जो वर्ड्स हैं, जो एक्सप्लेनेशन है करस्पॉन्डिंग वर्ड का, ये ना केवल ट्रायंगल में, आप स्क्वायर में यूज कर लें, रेक्टेंगल में यूज कर लें, पैरेललोग्राम के दो फिगर्स में यूज कर लें, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं और अप्रोच यही रहेगा। कोई भी अगर आप एंगल लेते हैं क्लॉकवाइज एक में चलते हैं तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए जी, हम अब साइड की बात करते हैं। मान लो हमने एसी साइड को रिलेट किया है पी क्यू साइड से, पर पी आर साइड से, अगर हमने एसी साइड को रिलेट किया है पी आर साइड से, अब दूसरा साइड क्या होगा जरा समझो। एबीसी ट्रायंगल में एसी के बाद का जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से साइड बनता है वो है बीसी, और जो पी क्यू आर ट्रायंगल का पी के पी आर के बाद जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साइड बनता है साइड वो है क्यू आर। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स में जब आप बीसी को यूज करेंगे तो आप इसे रिलेट करेंगे क्यू आर को, और अगर आप एसी के बाद मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चले जाते और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब आपको जो बेस मिलेगा वो ए बी मिलेगा, तो आप पी आर के लिए भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का साइड ही चेक करेंगे और वो साइड बनेगा पी क्यू, तो अब आप ए बी को रिलेट करेंगे पी क्यू से। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग वर्ड है, साइड्स के लिए जो करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज हो रहा है उसे आप समझें कैसे। अगर एक तरफ एक ट्रायंगल में या एक फिगर में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से साइड डिफाइन कर रहे हैं तो दूसरे फिगर में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही हमें साइड को डिफाइन करना चाहिए, और अगर एक फिगर में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से साइड को डिफाइन कर रहे हैं तो दूसरे फिगर में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही हमें साइड को डिफाइन करना है। ये करस्पॉन्डिंग वर्ड की मीनिंग है एंगल के लिए भी और साइड्स के लिए। हम एक दूसरे फिगर पर भी डिस्कस कर लें जिसमें आप मान लो रेक्टेंगल का फिगर लेते हैं, ये मान लो ए बी सी डी पी क्यू आर एस। बच्चों इसमें एंगल की तो जरूरत ही नहीं है चेक करने की, क्योंकि रेक्टेंगल का अगर शेप मैंने पहले ही कह दिया तो 90 90 90 90 बनेंगे, ए बी सी डी के सारे एंगल्स 90, पी क्यू आर एस के सारे एंगल्स 90। हम इसमें बात कर रहे हैं साइड्स की, करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं फिर भी इस वर्ड को सीख लें क्योंकि आगे इसकी जरूरत होने वाली, ठीक है। मान लो हमने ए बी साइड को रिलेट किया है पी क्यू साइड से, क्या है इन दोनों में रिलेशन वो हम आगे सीखेंगे, अभी मैंने रिलेट किया, ठीक है।
अब ए बी के बाद जो साइड यूज होगा वो क्या होगा, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बेस पर चलते हैं और हमने बी सी साइड को लिया है, तो जो पी क्यू आर एस का रेक्टेंगल है उसमें पी क्यू के बाद भी हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ही साइड यूज करना होगा जो है क्यू आर, तो बी सी के साथ हमें क्यू आर यूज करना है। सिमिलरली अगर हम ए बी के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का साइड यूज कर रहे हैं ए बी सी डी में जो है ए डी, तो पी क्यू आर एस में भी हमें पी क्यू के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का साइड ही यूज करना पड़ेगा जो है पी एस, जो है पी एस। तो इस तरह से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बेस पर करेस्पॉन्डिंग वर्ड को डिफाइन करते हैं, आप किसी भी तरह से चले, ठीक है। कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाती है कि एक कोई मान लो ट्रायंगल ये दिया गया है, कभी कभी कंफ्यूजन होती है, मान लो ए बी सी यहां दिया गया है और एक ट्रायंगल इस तरह से दिया गया है QR. थोड़ी सी ऐसे किसी ट्रायंगल में कंफ्यूजन होती है कि अब इसमें करेस्पॉन्डिंग वर्ड हम कैसे डिफाइन करें। जरा देखो, अगर एंगल ए को हमने रिलेट किया एंगल पी से, एंगल ए को हमने रिलेट किया किससे, एंगल पी से। अब एंगल ए के बाद जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, एंगल ए के बाद जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ एंगल आएगा वो क्या आएगा, पी। और एंगल पी के बाद दूसरे ट्रायंगल में एंगल पी के बाद जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ एंगल आएगा वो क्या आएगा, एंगल क्यू। तो आपको एंगल सी को रिलेट करना चाहिए एंगल क्यू। और अगर आप एंगल ए के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल लेते हो जो मान लो एंगल बी है, तो आप दूसरे ट्रायंगल में एंगल P के साथ भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल लोगे जो एंगल R होगा, ठीक है। इसकी मीनिंग देखने से लग रहा है कि नहीं ये कैसे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ मैच होंगे और ये कैसा, देखने से कुछ डिफर सा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा पी क्यू आर का जो ट्रायंगल है वो टेढ़ा है, उसको सीधा करेंगे तो यही डिफाइन। चलिए, अब जैसा मैंने कहा कि पॉलीगॉन और करेस्पॉन्डिंग वर्ड्स को सीखने के बाद हम सिमिलरिटी के जनरल रूल को देखेंगे, तो अब जरा देखते हैं कि वो जनरल रूल क्या है जिसके बेस पर किसी दो फिगर्स को सिमिलर बनाया जाए। तो देखें, जनरल रूल, जनरल रूल फॉर सिमिलरिटी two polygons with same number of sides, two polygons with the same number of sides are said to be similar if their first part corresponding angles are equal and second corresponding sides are in the same ratio. अब corresponding word तो आप सीख चुके हैं, angles के बारे में भी सीख चुके हैं कि कैसे explain किया जाता है, और sides के बारे में भी आप सब कुछ जानते हैं, polygons भी आप सीख चुके हैं। अब जरा देखते हैं ये general rule कैसे define, अब समझें। कोई भी दो फिगर्स जिसमें थ्री और मोर देन थ्री साइड्स यूज हुए, सिमिलर तभी कहे जाएंगे जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वह भी इक्वल, तभी वह दो फिगर्स
सिमिलर माने जाएंगे। वह दो फिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, ट्रेपीजियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यही कंडीशन है। अब हम कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं और देखते हैं कैसे वेरीफाई होता है। पहले एग्जांपल में हमने दो ट्रायंगल्स को लिया, एक ट्रायंगल हमने ये बना दिया, दूसरा ट्रायंगल हमने ये बना दिया। हमने एक ट्रायंगल को एबीसी कहा है और दूसरे ट्रायंगल को हमने पी क्यू कहा है, एबीसी का जो एंगल हमने माना है वह 60 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2.5, 5, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। कहा गया कि चेक करो और बताओ कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब इसे चेक करने के लिए हम एबीसी और पीक्यूआर इन दोनों ट्रायंगल्स को चेक करेंगे, और चेक कैसे करेंगे, उस जनरल रूल के अकॉर्डिंगली जो सिमिलरिटी के लिए बताया गया। क्या बताया गया? फर्स्ट इनके एंगल्स की हम बात करते हैं। अगर एंगल ए को हम रिलेट कर रहे हैं एंगल बी से, क्यों रिलेट कर रहे हैं? क्योंकि ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, इक्वल हो गया। अब जरा ध्यान से समझना, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब अगर ए बी सी में 60 डिग्री के बाद हमने करेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यूज कर लिया, जिसके बेस पर एंगल सी हमें मिला, तो दूसरे ट्रायंगल में एंगल पी के साथ जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल होगा वो होगा एंगल आर। अब हमें ये दोनों होंगे ही होंगे, हमें चेक करना है अब कि ये इक्वल है या नहीं है। होगा तो बड़ी अच्छी बात है, एंगल सी 70 डिग्री है और एंगल आर भी 70 डिग्री है, तो हम इक्वल सू का साइन लगा सकते हैं। अब एंगल सी के बाद करेस्पॉन्डिंग के लिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं, तो उस केस में आता है एंगल बी, और पी क्यू आर में एंगल आर के बाद जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए वह आएगा एंगल क्यू। तो एंगल बी को रिलेट किया जाएगा एंगल आर से, सॉरी एंगल क्यू से। अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। 50-50 बिल्कुल सही है, इसकी मीनिंग इन दोनों ट्रायंगल्स के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। एक और कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, क्या है वह? उनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। तो अब जरा सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर हमने ए बी को रिलेट किया है पी क्यू से, तो ए बी बाई पी क्यू ये हमने लिख लिया, जिसके वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू में 2/4 है। अब ए बी साइड तो हमने यूज किया, इसका करस्पॉन्डिंग साइड अब कौन सा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ अगर हम साइड्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो ए बी के बाद आएगा ए सी और पी क्यू के बाद आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ साइड आएगा पी आर, वो इससे रिलेट हो जाएगा, ये होगा पी आर। सिमिलरली अगर हम ए सी के बाद जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ करस्पॉन्डिंग साइड को यूज करेंगे वह होगा बी सी, और पी आर के बाद जो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ करस्पॉन्डिंग साइड यूज करेंगे वह होगा क्यू आर। अब हम चेक करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू के बेस पर, ए सी 3 है, पी आर 6 है, बी सी 2.5 है और क्यू आर 5 है। चेक करके देखो क्या ये दोनों तीनों इक्वल हैं। 1/2, 1/2, 1/2, इसकी मीनिंग हम ये ऊपर जो इक्वेशन साइड्स के लिए लिख रहे थे वहां भी हम इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। और अब जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं, तब हम ये कह सकते हैं क्या ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल, ये साइन सिमिलर का है, ट्रायंगल पीक्यूआर। अगर ये फुलफिल नहीं होता तो हम इसे सिमिलर नहीं कहते। जरा अब एक स्टेटमेंट्स आपके समझने वाली बात है, हम उसे एक्सप्लेन करें, उसके बाद हम किसी दूसरे एग्जांपल पर चलते हैं। बच्चों एक बात देखो, अगर बात स्क्वायर की आती है तो उसमें हमें एंगल्स को चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है। एंगल्स तो सारे 90 के होते हैं, ए बी सी डी का अगर हमने एक स्क्वायर यूज किया और पी क्यू आर एस का हमने एक स्क्वायर यूज किया,
तो अब हमें एंगल को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और अब अगर ध्यान से समझें, आप अगर अच्छी तरह से समझें तो एक स्क्वायर मान लो हमने ले लिया है ए बी सी डी, और एक दूसरा स्क्वायर हमने ले लिया है पी क्यू आर एस। अच्छी तरह से समझें इसे, यह हम जानते हैं कि ये ए बी सी डी के सारे एंगल्स तो होंगे 90-90, यहां भी है 90-90, तो ये जनरल रूल की पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर गया। दूसरी कंडीशन जरा समझो ध्यान से, स्क्वायर अगर है तो बच्चों स्क्वायर में साइड तो इक्वल होंगे ही होंगे सभी। अगर हम इसे 1 सेंटीमीटर मान लें तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 सेंटीमीटर के साथ। और अगर PQ की साइड मैंने मान लो 2 सेंटीमीटर मान लिया तो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, भाई 4 मान लो, 3 मान लो, 2.5 मान लो 2 के जगह पर, कुछ भी मान लो, तो क्या चेक करके देखो साइड्स का रेशियो सबका इक्वल नहीं आएगा? आना ही आना है। इसकी मीनिंग ये हुई कि स्क्वायर के केस में अगर हमें मेजरमेंट साइड्स की ना दी जाए तो उसे चेक किए बिना हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सिमिलर। समझो मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं, इसे बिना चेक किए भी बताया जा सकता है कि ये सिमिलर है, ठीक है। लेकिन जरा समझो मेरी बात, मान लो एक हमने ट्रायंगल ये ले लिया एबीसी और दूसरा एक हमने ट्रायंगल ये ले लिया पीक्यूआर। बहुत अच्छी तरह से समझें, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो समझना आसान हो जाएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने इजी हो जाएंगे। जरा समझे ध्यान से, मैंने इस एंगल को मान लिया 50 डिग्री, इस एंगल को मान लिया हमने 70 डिग्री, और इस एंगल को मान लिया क्या 60 डिग्री, हो गया ना 180, ठीक है 180। हमने इस एंगल को मान लिया 60 डिग्री, इस एंगल को हमने मान लिया 80 डिग्री, और इस एंगल को मान लिया हमने 40 डिग्री, और ये लेंथ हमने माना ये है 2 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, यह है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यह है 6 सेंटीमीटर। जरा चेक करो और बताओ कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। अब अगर हम साइड्स के बेस पर इसे चेक करें तो जरा समझो, ए बी हमने इस साइड को लिया है, यहां मान लो हमने पी क्यू को रिलेट किया तो ए बी बाई पी क्यू तो हमने लिख दिया। अब ए बी के बाद जो साइड होगा मान लो हमने इसका करस्पॉन्डिंग साइड का ले लिया है, करस्पॉन्डिंग साइड हमने जो लिया है वो क्या लिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बेस पर लिया है, तो पी क्यू के बाद जो होगा करस्पॉन्डिंग साइड वो भी तो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बेस पर। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज है, तो अब हमने अगर इसे ए सी लिखा है तो ये हो जाएगा पी आर, और अगर हमने आगे भी मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बेस पर साइड ले लिया है बीसी, तो यहां अब हो जाएगा पी आर के बाद क्यू आर। इसमें रिलेशन अभी हमने मेंटेन नहीं किया, मेंटेन करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू के बेस पर, ये इक्वल होना चाहिए, सिमिलरिटी का ये रूल है। अब जरा देखो, ए बी की वैल्यू 2, पी क्यू की वैल्यू 4, ए बी बाई 4, 2/4, ठीक है, ए सी की वैल्यू 2.5 और पी आर की वैल्यू 5, ठीक है, BC की वैल्यू 3 और QR की वैल्यू 6, जरा चेक करके देखो क्या ये इक्वल हैं, इक्वल ही तो हैं, तो इसकी मीनिंग ये रिलेशन तो मेंटेन हुआ ही, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो अब साइड्स के बेस पर तो ये सिमिलरिटी के कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन क्या एंगल के बेस पर भी सेटिस्फाई करते हैं? जरा देखो, ये 70 डिग्री और PQR में कहीं कोई 70 डिग्री है क्या? नहीं है। चेक करके देखो, अगर हम B एंगल को 60 डिग्री मान लें तो एंगल P से 60 डिग्री केवल एक इक्वल हो रहा है, और तो इक्वल है ही नहीं। इसकी मीनिंग, क्योंकि एंगल सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इसीलिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर नहीं कह सकते।
नो सिमिलैरिटी क्योंकि सिमिलैरिटी के रूल्स को ये सेटिस्फाई। बच्चों एक एग्जांपल और हम डिस्कस करें। देखो स्क्वायर के केस में ये मैंने बता दिया कि भाई स्क्वायर के केस में दो शेप्स अगर कहीं भी आपको दिए जाएं, साइड्स अगर कहीं मेंशन ना भी हो तो भी आप कह सकते हैं कि ये दोनों शेप्स, ये दोनों स्क्वायर सिमिलर ही होंगे। आप पक्के तौर पर यह बात कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आप कुछ भी लिख दो स्क्वायर में, स्क्वायर के साइड में आप कुछ भी लिख दो, वह रूल्स को फॉलो करेंगे। सिमिलरिटी रूल्स को चेक करके देखो, यहां आप 1.5 लिख दो, यहां कुछ भी लिख दो, 2 के जगह पर 7 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई 7 लिखोगे तो सारे 7 लिखोगे ना, जरा सोचो, सारे 7 लिखोगे ना, और ये 1.5 है तो सारे 1.5 हो जाएंगे ना, तो क्या होगा, 1.5 by 7 सब हो जाएंगे, फिर फॉलो कर लेंगे। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट रेक्टेंगल के लिए भी हो जाएगा सेटिस्फाई? जरा सोचो, क्या ये रेक्टेंगल के बेस पर भी सेटिस्फाई होगा? जब भी आप वीडियो देखें तो आप कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करें और थिंक कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि ये रेक्टेंगल के लिए भी तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, कुछ भी दिया जाए। नहीं, कोई जरूरी नहीं। देखें, मान लो एक रेक्टेंगल हमने ये यूज किया, 90 होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा रेक्टेंगल हमने ये यूज किया, हमने एक को नाम दे दिया ABCD और दूसरे को हमने नाम दे दिया PQR। अंडरस्टूड है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, और यहां भी 90 के होते हैं, ठीक बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। एंगल्स को आप वेरीफाई ना भी करें तो भी ये मान लिया जाएगा। चलो भाई, मान लो हमने AB के लिए लिख दिया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। चेक करके देखो, AB by PQ, AB by PQ। अब इसका अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बेस पर साइड आएगा BC, क्योंकि क्रस्पॉन्डिंग होना चाहिए। PQ का जो क्लॉकवाइज आएगा वह होगा QR। नेक्स्ट BC का क्लॉकवाइज आएगा DC और QR का क्लॉकवाइज आएगा SR। SR का क्लॉकवाइज है PS और CD का क्लॉकवाइज है AD। तो AD by PS लिख दिया जाए। वेरीफाई करो तो 3/4 इक्वल टू का साइन अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि रिलेट देखते करते हैं कि क्या होता है। 1.5/3, 3/4, 1.5/3, चेक करके देखो क्या इक्वल आ रहे हैं। 1.5/3, ये तो 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन ये 1/2 है क्या? जबकि कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि सारे साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर 1/2 है तो सब 1/2 होने चाहिए, तभी ये मैच हुआ। लेकिन ये 1/2 है कहाँ? इक्वल ही नहीं है, तो इसकी मीनिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो क्या ये दोनों रेक्टेंगल्स सिमिलर हैं? नहीं, हम इन दो फिगर्स को सिमिलर नहीं कर। तो सिमिलरिटी के लिए जो रूल्स दिए गए हैं वह आप दोनों को सेटिस्फाई करके चेक करेंगे। कुछ शेप्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें उसे चेक करने की जरूरत है, जैसे आप सर्कल का कोई एक शेप दे दिया जाए, एक शेप नहीं दो मान लो, क्योंकि हम सिमिलरिटी चेक कर रहे हैं, दो ये दे दिया जाए। अब अंडरस्टूड है, एंगल्स तो इसमें है नहीं, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? वही तो आएगा ना, चेक करके देखिए, ये तो सिमिलर होंगे ही होंगे, सेम शेप के हैं। साइज हो या ना हो क्या फर्क पड़ता भाई, चेक करके देखो इसका एरिया क्या होगा। सर्कल का शेप तो हर एक केस में एक ही होगा ना, केवल क्या डिफरेंस हुआ? डिफर केवल एरिया होगा और तो कुछ होगा नहीं। और जबकि सिमिलरिटी के स्टेटमेंट में आप लिख चुके हैं
क्या कि शेप सेम होना चाहिए, साइज डिफर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम हो या ना हो। तो अब इन दोनों में हमें जनरल रूल्स चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम केवल डेफिनेशन जो सिमिलरिटी के लिए कहा गया है छोटा सा, क्या सेम शेप साइज डिफर होना हो। क्यों? क्योंकि इसमें एंगल होता ही नहीं है भाई, देख लो एंगल होता ही नहीं है, ठीक है, केवल इसका साइज केवल यही तो डिफर करेगा, और दो है तो एक फिक्स रेशियो बन जाएगा, उसके आगे की जरूरत ही नहीं है। तो ये जनरल रूल्स हैं जिसके बेस पर आप किसी भी दो शेप्स को ट्रायंगल है या नहीं है बता सकते हैं, और इस बेस पर इस एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए इजी है।